सर बोलो। आज का क्या अपडेट है तो आंकड़ों के सामने देखिए, हिसाब क्योंकि से, क्योंकि मेडिकल कॉलेज और एम्स दोनों का अलग अलग आ रहा है सर। कल भी ये थोड़ी विसंगति थी और इसके बारे में राज्य में हमने बात की थी और ये निर्णय हुआ था कि तीन जगह जहाँ हमारी जांचें होती हैं, चाहे वो जीएमसी भोपाल हो, एम्स भोपाल हो या इंदौर एमजीएम हो, यहाँ से पूरी रिपोर्ट्स मंगाकर उनको एग्जाम किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि फाइनल फिगर क्या है। हमारी जानकारी के हिसाब से अभी भी 115 जो कल आंकड़ा दिया गया था वही है, सही है, और उनमें से भी आईसीएमआर के द्वारा दो पुनः जांच में दो पॉजिटिव से निगेटिव हो गई थी, इस प्रकार 113 का आंकड़ा ही सही माना जाएगा। और आज रात की रिपोर्ट के बाद कितना होगा? रात की रिपोर्ट कोई अभी आज पॉजिटिव की नहीं प्राप्त हुई है और इसलिए अभी आज का आंकड़ा 113 ही है, आज दिन में जो भी रिपोर्ट आती है उससे अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज ने 121 की रिपोर्ट दी है सर कि 121 पॉजिटिव अभी तक। मेडिकल बुलेटिन जहाँ तक मैंने देखा था 113 का ही उन्होंने आंकड़ा दिया है, 113 पॉजिटिव का उन्होंने जी दर्ज कराया है। कितने क्वारंटाइन कर दिए गए अब लोग? अभी तक हम लोगों ने 4000 लोगों की स्क्रीनिंग और 4000 लोगों को क्वारंटाइन किया था, विभिन्न उनको होम क्वारंटाइन मिलाकर और इंस्टीट्यूट होम क्वारंटाइन मिलाकर। सर जो पॉजिटिव कल जो रिपोर्ट आई है, सुबह जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई पॉजिटिव नहीं मिला, तो क्या माना जाए कि इंदौर के लिए एक राहत भरी खबर है? निश्चित तौर पे, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रशासन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में काम कर रहा था और जो पहले पहले चरण में जो पॉजिटिव मरीज मिले थे उनके समस्त प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन किया जा चुका था और उन्हीं की रिपोर्ट्स, उनके जो घर के लोग हैं उन्हें ही अभी तक रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी। उदाहरण के लिए अगर मैं कल की बात करूँ तो कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें टाटपट्टी वाखल के एक ही परिवार के 9 लोग थे, तो इस तरह से देखा जाए तो एक ही घर में जो पहला मरीज था उस वहीं से सारे लोग संक्रमित हुए थे। उन सबको चूँकि हमने क्वारंटाइन कर दिया था तो सब समाज में, समुदाय में और लोगों के संक्रमित होने की संभावना कम हो गई थी, तो जिसका रिजल्ट हमें शीघ्र ही दिखाई देगा। सर आज सुबह कितने लोगों को टेस्ट किए गए थे? हम लोगों ने जो क्वारंटाइन किए गए थे उन लोगों में से 106 लोगों का टेस्ट किया था, इसके अलावा इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं लगभग 100 लोगों का वहाँ भी टेस्ट किया। सर देखा जा रहा है कि जो क्वारंटाइन किए गए थे या जैसे जिस परिवार को लेकर गए थे उनमें से कुछ को छोड़ा, वो बाहर घूम रहे हैं, तो उन्हें किस तरह के निर्देश दिए गए? बाहर जाने के निर्देश नहीं है, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक है वो लोग थोड़े सा रिलैक्स मूड में हैं, लेकिन उन्हें भी बता दिया गया है कि 14 दिनों तक उनको भी क्वारंटाइन में रहना है और पूरी तरह से अपने आप को सामान्य अन्य लोगों से दूर ही रखना है। कोई मरीजों को भागने की सूचना थी क्या, अफवाहें चल रही है? देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक लोग अफवाहों के फैलाने में लगे हुए हैं और उनसे मेरा अनुरोध है कि इस समय थोड़ा संयम बरतें और ऐसी खबरों को, भ्रामक खबरों को फैलाएं ना। जो लोग ठीक होंगे सर उनको डिस्चार्ज आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आज उनके डिस्चार्ज का समय है और रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद लगभग 20 लोगों की डिस्चार्ज की तैयारी। कितने नेगेटिव आ चुके हैं? लगभग 20 लोग हैं जिन्हें हम डिस्चार्ज करेंगे।